हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फन फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी और आप इन फैक्ट्स को सुनकर चौंक भी जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित तांबे और आप देख रहे हैं ऑसम नॉलेज चैनल को। आइए देखते हैं टॉप फन फैक्ट्स। नंबर 10, अमेरिका में मौजूद 7% धार्मिक लोग अपनी कार को पार्क करने के लिए एक अच्छे पार्किंग स्पॉट की दुआ करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस जाने पर कार पार्क करने की जगह ना मिलना काफ़ी बड़ी समस्या है। नंबर 9, दोस्तों लोनार्डिनो जो कि एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे और अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी कोका कोला के साथ एक डील हुई थी और इस डील में कोका कोला ने रोनाल्डिनो को स्पॉन्सर किया, वो भी 7,50,000 डॉलर में, यानी कि करीब 5,31,00,000 रुपये में। लेकिन क्या एक पेप्सी पीने से किसी का करोड़ों का नुकसान हो सकता है? हो सकता है, लोनार्डिनो का हुआ। इन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेप्सी पी ली थी और सिर्फ इसी बात पर कोका कोला ने उनके साथ हुई करोड़ों की डील तोड़ दी। नंबर 8, आस्क्यू जिसका मतलब होता है तिरछा। दोस्तों अगर आप गूगल पर जाकर आस्क्यू सर्च करोगे तो सर्च किया हुआ रिजल्ट थोड़ा सा राइट की साइड पर तिरछा हो जाएगा। और दोस्तों एक फन ट्रिक है जो कि खुद गूगल की कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए पेश की थी। नंबर 7, अमेरिका में मौजूद डॉल्फिन नाम की जगह पर बस एक 3 साल का छोटा लड़का मेयर चुना गया था और उस बच्चे का नाम है बॉबी टप्ट। वो जिस जगह पर मेयर चुना गया था उस जगह पर इलेक्शन लड़ने के लिए एंट्री फीस सिर्फ $1 देनी पड़ती है। सभी कैंडिडेट्स के नाम एक हैट में रखकर बाद में किसी एक कैंडिडेट को चुन लिया जाता है और जिसका भी नाम निकलता है उसे बाद में मेयर बना दिया जाता है, और सिर्फ इसी वजह से एक 3 साल के लड़के को वहाँ पर मेयर के नाम पर चुन लिया गया। नंबर 6, मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली गोरिल्ला की एक प्रजाति जिसे वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला कहा जाता है, ये काफ़ी छोटे गोरिल्ला होते हैं, लेकिन ये केवल दूसरे गोरिल्ला के मुकाबले ही छोटे होते हैं। वैसे तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि मेल वेस्टर्न गोरिल्लास की हाइट 5'11" की होती है। दोस्तों फन फैक्ट ये है कि इनका साइंटिफिक नेम गोरिल्ला 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 ये है। नंबर 5, शकीरा कोलंबियन सिंगर शकीरा काफ़ी फेमस है और इनके फैंस दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन बचपन में इनके स्कूल में सिंगिंग टीम से उन्हें उनके म्यूजिक टीचर ने निकाल दिया, क्योंकि म्यूजिक टीचर के अनुसार उनकी आवाज़ बकरी की तरह थी। नंबर 4, दोस्तों स्कूल यानी कि वो जगह जहाँ पर आप अपने बचपन का ज़्यादातर वक्त बिताते हैं और हर कोई यहाँ पर पढ़ने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आता है, लेकिन ये जो स्कूल शब्द है ये एंशियन ग्रीक से लिया हुआ है और ग्रीक में स्कूल का मतलब होता है फ्री टाइम यानी कि खाली समय, और स्कूल में यही काफ़ी कम मिलता है। नंबर 3, दोस्तों मून डाइंग जो इस नाम का एक शख्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ये 1826 में पैदा हुआ और इसकी 1900 में मौत हो गई। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति है, लेकिन ये अपने क्राइम करने की वजह से फेमस नहीं हुए बल्कि जेल से भागने की वजह से फेमस हुए। हालांकि जेल से भागना भी एक क्राइम ही होता है। मून डाइन जो बहुत ही ज़्यादा बार जेल से भाग निकला था, इसलिए पुलिस ने उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाई यानी कि एक स्पेशल जेल बनवाई, लेकिन ये उससे भी भाग निकला। नंबर 2, वायरस इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है वायरस। दोस्तों हमारे अंदर कई सारे बीमारियाँ वायरस ही फैलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक वायरस खुद भी एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, यानी कि एक वायरस भी दूसरे वायरस पर हमला कर सकता है। अब पता चला होगा इन्हें कि एक वायरस से इन्फेक्ट होने पर कैसा महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने एक नए तरह का जाइंट वायरस खोज निकाला है जिसका नाम है मामा वायरस, और एक स्टडी में पाया गया कि ये वायरस खुद भी एक टिस्मॉल वायरस से इन्फेक्टेड था। बहुत अच्छा हुआ। नंबर 1, न्यूजीलैंड एयरफोर्स। दोस्तों द रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स का लोगो है एक बर्ड, और इस बर्ड यानी इस पंछी का नाम है कीवी। फन फैक्ट ये है कि ये कीवी खुद तो कभी उड़ ही नहीं सकता और लोगो बना हुआ है न्यूजीलैंड की रॉयल एयरफोर्स का। तो दोस्तों ये थे कुछ रैंडम फनी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।